मार्केट में बहुत सारे स्पिनर हैं। स्पिनर क्या करता है, वर्ड्स को चेंज करता है, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को चेंज करता है और वेल रिसर्च, ऐसा लगेगा कि सही में किसी ह्यूमन बिहेवियर से लिखा गया है। क्या मैनुअल कंटेंट राइटर और ब्लॉगर्स का कोई स्कोप बचता ही नहीं बचता है। विद इन 24 आवर्स वो कंटेंट गूगल पे इंडेक्स भी हो जाता है, दैट मींस कि गूगल को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंटेंट अगर मैं आइडियली कंटेंट राइटिंग के टेक्निक से लिखता या मैनुअल कंटेंट राइटिंग से लिखता, हो सकता है 4 घंटे का मिनिमम टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर रिसर्च से लेकर कंटेंट को वर्डप्रेस में डालने से लेकर उसको लाइव और पब्लिश करने तक का ओवरऑल टाइम लेस देन 60 मिनट में मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आप ब्लॉगिंग में ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं लेकिन एक ब्लॉग को लिखने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटे का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको आप 1 घंटे में चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आपका 100% SEO ब्लॉग पोस्ट आप सिर्फ 1 घंटे में क्रिएट कर सकते हैं। आई एम नॉट जोकिंग। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, मैंने अभी रिसेंटली एक ब्लॉग पोस्ट पब्लिश किया है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग आफ्टर चैट जीपीटी, व्हाई ब्लॉगर्स स्टिल मैटर। अगर इस कंटेंट को आप जाकर के देखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस कंटेंट को अगर ओवरऑल गो थ्रू करके आप देखेंगे तो ये कंटेंट लिखा गया है प्योरली विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, जो कि एक AI टूल है। आप नहीं जानते चैट जीपीटी क्या है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मिल जाएगा। बट ये जो कंटेंट लिखा गया है वो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, और वेल सरप्राइजिंगली अगर इस कंटेंट को मैं गूगल में जाके देखूं तो ये ऑलरेडी इंडेक्स भी हो चुका है। दैट मींस कि एक ऐसा कंटेंट जो विद द हेल्प ऑफ AI टूल लिखा गया है, उसकी हेल्प से जो कंटेंट ऑलरेडी मैंने गूगल में पब्लिश किया है, एंड देन विद इन 24 आवर्स वो कंटेंट गूगल पे इंडेक्स भी हो जाता है, दैट मींस कि गूगल को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सारे ब्लॉग पोस्ट विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी लिखा जाए, तो उसका सही तरीका क्या है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी ब्लॉग पोस्ट को विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी आप क्रिएट कर सकता है, और वो भी मिनिमम से मिनिमम टाइम में। एज आई सेड, ये कंटेंट अगर मैं आइडियली कंटेंट राइटिंग के टेक्निक से लिखता या मैनुअल कंटेंट राइटिंग से लिखता, हो सकता है 4 घंटे का मिनिमम टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर रिसर्च से लेकर कंटेंट को वर्डप्रेस में डालने से लेकर उसको लाइव और पब्लिश करने तक का ओवरऑल टाइम लेस देन 60 मिनट में मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी हेल्प से या फिर चैट जीपीटी की हेल्प से आप किस तरीके से 100% SEO ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश कर सकता है। सिर्फ इसके एक मिनिमम फीस है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एग्जिस्टिंग है तो लाइक कर दो, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बिकॉज ये एक AI जनरेटेड कॉन्टेंट है, सो गूगल इसको इजिली कैच कर सकता है। तो आप इससे कैसे गूगल से बचते हुए एक यूनिक कॉन्टेंट क्रिएट करेंगे, तो बिना किसी डिले के चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और शुरुआत करते हैं 1 by 1। लेकिन इससे पहले, अगर आप ब्लॉगिंग में टोटली नए हैं, अगर आप ब्लॉगिंग में 9 डेज की फ्री ब्लॉगिंग मास्टरी ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप यहां से आकर के 9 डेज के फ्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वेल, नेक्स्ट मंथ इसका टोटली हिंदी वर्जन आने वाला है, सो यू विल बी सरप्राइज कि उसमें अपडेटेड लेटेस्ट डिटेल होगी, आपको कोई भी कोर्स को परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एनश्योर आप अभी से एनरोल करके रखें। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली चैट जीपीटी को आपको यूज कैसे करना और मैंने इसको कैसे किया। सबसे पहली चीज, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और आइडिया ये था मैं कुछ ऐसा कंटेंट लिखूं जो किस टॉपिक पे होगा, कि फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग क्या होगा आफ्टर चैट जीपीटी। क्या मैनुअल कंटेंट राइटर और ब्लॉगर्स का कोई स्कोप बचता ही नहीं बचता है। जैसे मेरे दिमाग में आता है, मैं सबसे पहले चैट जीपीटी में जाता हूं। ओके, चैट जीपीटी में जाके मैं पहला क्वेश्चन यहां पे पोस्ट करता हूं, सबसे पहले मुझे एक स्ट्रक्चर बना के दे, मतलब आउटलाइन बना के दे कि कौन कौन सा टॉपिक है जो इस वाले टॉपिक के अंदर मैं एक ब्लॉग पोस्ट में कवर कर सकता हूं। जैसे ही यहां पर मैं लिखता हूं राइट एन आउटलाइन फॉर अ ब्लॉग पोस्ट ऑन टॉपिक, और ये था फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग AI कंटेंट राइटिंग टूल लाइक चैट जीपीटी। जैसे मैंने इसको इंसर्ट किया, चैट जीपीटी ने मुझे टाइटल के साथ में पूरा का पूरा एक स्केलेटल बना के दे दिया। मैंने क्या किया, इसको एज इट इज कॉपी कर लिया मेरे एक वर्ड डॉक्यूमेंट में, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मतलब हमारे पास टाइटल आ चुका है, अभी हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ चुका है, अभी जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, यहां पर जैसे नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, यहां पर इसके बाद नंबर 2 आप देखेंगे कि इवोल्यूशन कैसा हुआ, नंबर 3 क्या अभी भी हमें ह्यूमन राइटर की जरूरत है, नंबर 4 आप कुछ और देखेंगे। इस तरीके से इसका स्केलेटल बना के दिया। तो सबसे पहले ये करने के बाद मैं वापस चैट जीपीटी में आता हूं और दूसरा सवाल चैट जीपीटी से पूछता हूं कि मुझे 200 वर्ड का वेल रिसर्च कंटेंट दो, जो कि एक इंट्रोडक्शन दे कि AI कंटेंट राइटिंग टूल लाइक चैट जीपीटी है क्या। तो उसमें उसने मुझे एक पैराग्राफ दिया, मैंने एज इट इज पैराग्राफ को फिर से मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में अंडर इंट्रोडक्शन पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने सिमिलरली इसको गो थ्रू करते हुए मुझे पता चला कि इसी में ही एक और सेक्शन है जहां पर इवोल्यूशन ऑफ चैट जीपीटी के बारे में बताया है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे स्पेस क्रिएट करके एक टाइटल क्रिएट करके सेम कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लाइकवाइज मैं नंबर 1, इसके बाद नंबर 2 टॉपिक की कैसे उसका इंपैक्ट ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग पे है, उसको भी मैंने यहाँ पर उससे पूछा कि भाई मुझे और 200 वर्ड का आर्टिकल दे, इससे फिर से मुझे क्रिएट करके दिया, मैंने फिर इसको एज इट इज वर्ड प्रैट में कॉपी किया। लाइकवाइज मैं स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक को यहाँ पे लिखता गया, एंड एट द एंड मेरे पास कुछ इस तरीके से एक रफ कंटेंट आ गया, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी मुझे इसको यूज करके ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करना है, बट द पॉइंट हियर इज कि यहीं से मैंने चैट
जीपीटी की हेल्प से चैट जीपीटी को पूछा, ऐसे कंटेंट के लिए बेस्ट 10 आइडियाज दो जो मैं एज एन टाइटल यूज कर सकता हूं, और चैट जीपीटी ने मुझे दिए ये 10 आइडियाज। इन्हीं के मिक्सचर से, मेरी क्रिएटिविटी से, मैंने मेरे ब्लॉग पोस्ट का एक टाइटल बनाया जो कि है फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग आफ्टर चैट जीपीटी, व्हाई ब्लॉगर्स स्टिल मैटर। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी जो जो मुझे चाहिए था मैंने सिंपली क्वेरी टाइप्स की, और वो टाइप थी कि 200 वर्ड का आर्टिकल वेल रिसर्च कंटेंट इस वाले टॉपिक पे मेरे को दे। लाइकवाइज चैट जीपीटी ने मुझे मोर देन 2000 वर्ड का आर्टिकल जस्ट विद इन 15 मिनट क्रिएट करके दे दिया। वेल, एक पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करने की बात है कि मैं चैट जीपीटी का प्रीमियम वर्जन यूज कर रहा हूँ, दैट इज वाई कंटेंट इज वेल रिसर्च। अगर आप नहीं जानते चैट जीपीटी का फ्री वर्जन और पेड वर्जन में क्या डिफरेंस है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैट जीपीटी की हम पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं, सो डू एंश्योर कि आप उसको पूरा गो थ्रू कीजिएगा ताकि आप फ्यूचर के अंदर इसकी कोई भी एक इन्फॉर्मेशन और क्रिएटिव लर्निंग को मिस ना करेंगे। क्लियर? तो जैसे ही मैंने इसको क्रिएट किया, लाइकवाइज मेरे यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट हो जाती है, और इस लिस्ट के अंदर मुझे वो सारा डेटा है। अभी मैं अगर इस कंटेंट को एज इट इज मेरे किसी ब्लॉग पोस्ट में यूज करूंगा तो ऑब्वियसली चांसेस आर वेरी हाई कि गूगल इसको डिटेक्ट कर लेगा। अगर आप किसी AI पावर्ड कंटेंट को ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये AI से क्रिएटेड है या नहीं है, उस केस के अंदर आपको क्या करना है, मान लीजिए कि ये कंटेंट AI ने क्रिएट किया, तो आपको इसको कॉपी करना है, जो भी आपका कंटेंट क्रिएटेड है, राइट? इसको कॉपी करने के बाद में आपको एक टूल यूज करना है, वो है AI डिटेक्शन। बहुत सारे AI डिटेक्शन के टूल्स हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है या फिर यू कहो कि मोस्टली ब्लॉगर्स यूज करते हैं, वो है कंटेंट एट स्केल का AI डिटेक्शन टूल। अब इस साइड पे आएंगे, यहां पर आपको AI डिटेक्शन का सेक्शन मिलेगा और ये 100% फ्री है। आपको यहां पे आने के बाद वो जो टेक्स्ट है जो AI टूल ने जनरेट किया उसको यहाँ पे इंसर्ट करके नीचे आना है, और आपको यहाँ पे टाइप करना चेक फॉर AI कंटेंट। तो ये सब कुछ दिखाई देगा कि ये किसके थ्रू क्रिएटेड है, किस तरीके से क्रिएटेड है। ओके, इस कंटेंट में मैंने सेल्फ चेंजेस किया, इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 87% ये ह्यूमन क्रिएटेड है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारा टूल इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कि ये कंटेंट अगर मेरा AI से क्रिएटेड है, तो मैं फिर से यहाँ पे आऊंगा एंड देन लेट्स सी चेक फॉर AI कंटेंट। तो आपको यहाँ पर स्कोर देखना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बोल रहा है 100% ह्यूमन, क्योंकि मैंने चेंजेस किया है और ये कंटेंट ऑलरेडी लाइव हो चुका है। इसके बाद मान लीजिए कि मैं कंक्लूजन वाले सेक्शन को यूज करता हूँ एंड देन आफ्टर इसको यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यू विल फाइंड आउट कि इसका क्या स्टैट्स है, ये AI जनरेटेड है या नहीं। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फिगर आउट कर रहा है कि ये कंटेंट कहीं ना कहीं AI और ह्यूमन के मिक्सचर से बना हुआ है। ओके, चाहे आपको दिखाए यहाँ पे स्कोर या ना दिखाए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस कंटेंट को कॉपी करना है और इसको रीफ्रेस करना है। मतलब जो आपको AI बोट ने जनरेट करके दिया, आपको उसको उठाना है, इसके बाद में एक पैराफ्रेजर, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल लाइक क्विल बोट की साइट पे जाना है। ये भी 100% फ्री है, बट सिर्फ एक लिमिटेशन है, आप यहाँ पर मैक्सिमम एट अ टाइम 125 वर्ड को इंसर्ट कर पाएंगे फ्री वर्जन में। और अगर फ्री वर्जन को यूज करते हो, आपको एक पॉपअप आ जाता है कि आपका एग्जॉस्ट हो चुका है, तो आप इसका फ्री का अकाउंट बना दे, कुछ पे करने की जरूरत नहीं, और अनलिमिटेड टाइम अप टू 125 कीवर्ड आप यूज कर पाएंगे। स्टैंडर्ड जो मोड है वो आपके लिए 100% फ्री है, सो आपको किसी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, और ये सारे इसके प्रो वर्जन में आते हैं। आपको क्या करना है, जो AI से कंटेंट क्रिएट किया, जिसको सबसे पहले आपने AI कंटेंट स्केल के अंदर डाला, यहां से आपको पता लग रहा है कि ये टूल डिटेक्ट कर पा रहा है कि ये AI पावर है, तो गूगल तो 100% करेगा। या फिर कभी भी आप AI टूल से कभी भी कंटेंट जनरेट करें, सबसे पहले आपको आना पैराफ्रेजर में, उसको पेस्ट करना है, इसके बाद आपको पैराफ्रेज पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली उसको एक डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। रिमेंबर, मार्केट में बहुत सारे स्पिनर हैं, स्पिनर क्या करते हैं, वर्ड्स को चेंज करते हैं, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को चेंज करता है और वेल रिसर्च, ऐसा लगेगा कि सही में किसी ह्यूमन बिहेवियर से लिखा गया है। एग्जांपल के लिए यहां पे जैसे ही आपको टाइटल दिख रहा है, In conclusion, the advent of AI content writing tools like ChatGPT has undoubtedly transformed the blogging and content writing industry. इसको इसने चेंज कर दिया। In conclusion, industry of blogging and content writing has definitely changed as a result of the development of AI content writing tools like ChatGPT. आप समझ सकते हैं, it has totally changed the sentence along with the words and everything. इसमें आप ensure करिए center में रहें, जितना center में है उतना ज़्यादा accurate रहेगा and it will give you better results. तो आप समझ पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे 151 word paste किए, इसने सिर्फ 125 consider किया free plan में, तो यहाँ से आपको फिर से paste करके उसको जनरेट करना पड़ेगा जो बच गया ये वाला सेक्शन। तो ऐसे ही आप इस टूल के थ्रू इस डेटा को इंसर्ट करें, फिर यहां पे जो आउटकम आता है उसको आपको कॉपी करना है। आप देख पा रहे हैं पहले 77% बोल रहा था कि ये कहीं ना कहीं 77% ह्यूमन जैसा लगता है। इसके बाद आपने जो पैराफ्रेजर से जनरेट किया उसको आपको अगर आप चेक करेंगे, यू विल फाइंड अ बेटर रिजल्ट्स, 77 से तो ज्यादा ही आएगा। यू विल फाइंड योर 98% ये ह्यूमनली जनरेटेड कंटेंट है। ये आपके सामने लाइव एग्जांपल्स हैं। लाइकवाइज आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे आप करेंगे तो आपका एक एडिशनल वर्जन स्टार्ट होगा कि ये जो पैराग्राफ है उसका आपने, जैसे अभी हमने इन कंक्लूजन वाला पार्ट अगर अपने ऐड किया, तो उसका जो भी अपडेटेड वर्जन है जो हमने पैराफ्रेजर से जनरेट किया वो ये वाला। तो लाइकवाइज आपको सारा कंटेंट जो भी आपने 15 मिनट में वहां से जनरेट किया, उसमें 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, नो मैटर कि कोई भी AI डिटेक्शन टूल इसका क्या स्कोर बताएं, आपको हर एक पैराग्राफ को
रिफ्रेश कर देना है। दैट मीन्स कि अभी हमें बेटर वैल्यू मिलने वाली है। वेल, इसके बाद में जैसे आपके पास सेक्शन क्रिएट हो जाता है, आपको क्या करना है, वर्डप्रेस में जाना है। वेल, अगर आपका ब्लॉग वर्डप्रेस में नहीं है, अगर आप वर्डप्रेस में ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जा सकते हैं होस्टिंगर के साथ में। ये एक रिलायबल होस्टिंग है, मैं इसको पर्सनली यूज करता हूं। और इसके होम पेज में जहां पर आप ये स्पेशल लिंक यूज करके आ सकते हैं, होम पेज में आने के बाद में आप जहां तक हो सके प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान के साथ में जाएं। यहां पर आपको 100 वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हैं फ्री का, मतलब SSD स्टोरेज है ना कि SSD है, फ्री का आपको डोमेन मिलेगा और अनलिमिटेड फ्री SSL। अगर आप 100 साइट भी होस्ट करेंगे तो आपको 100 फ्री SSL मिलेंगे, जो कि अदर होस्टिंग प्रोवाइडर लाइकली कम देते हैं, और ये चीपर है। एड टू कार्ट में जाने के बाद में जैसे आप चेकआउट विंडो पे जाएंगे, अगर आपने मिनिमम 12 मंथ का होस्टिंग प्लान को परचेज किया है, तो आपको एक और प्रोमो कोड यूज करना है स्क्रीन पे आने के बाद में, और वो है MR व्यास। आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आप होस्टिंग को परचेस करते हैं, आपका एक इनवॉइस जनरेट होगा। अगर आपने मेरी ये जो स्पेशल लिंक को यूज करके इस पेज से होस्टिंग को परचेस किया है, तो उसके बाद में आप सिंपली यहां पर आ सकते हैं bloginghost.com ऑफर। यहां पर आने के बाद क्लेम करने के बाद इस गूगल कॉम को फिल कीजिए, आपको 72 आवर्स में प्रीमियम बोनसेस इंक्लूडिंग प्रीमियम वर्डप्रेस थीम विद लाइसेंस की तक भी आपको ये चारों चार बोनसेस अलॉन्ग विद ब्लॉगिंग कोर्स भी आपको शेयर किया जाएगा। तो मैं मानता हूं कि आपने ऑलरेडी आपका वर्डप्रेस का ब्लॉग सेटअप है। अगर आपका वर्डप्रेस का ब्लॉग सेटअप है, अभी आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, एडिटर में जाना है, और वो जो कंटेंट, जो कुछ भी आपने लिखा है, वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप यहां पे पेस्ट करते जाना है एज इट इज। अभी यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे जैसे इसको आप पेस्ट करेंगे, एंश्योर करें कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं आपके थ्रू सेल्फ मॉडिफाइड हो। ओके, मतलब सिर्फ शुरू के 4 पैराग्राफ ऐसे हैं जो आपको खुद ही चेंज करके लिखने हैं टू एंश्योर कि वो यूनिक लगे, ताकि आप इसके साथ में कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज की जो लिंक है उसको ऐड कर सके और दिस लुक्स जेन्युइन। इसके बाद बाकी जितना भी पार्ट था उसको मैंने वहां से उठाया, एज इट इज पेस्ट किया, सिर्फ उसके नए नए टाइटल्स बनाए। ओके, व्हाट इज चैट जीपीटी, इसके बाद में मैंने एक नया टाइटल बनाया कि फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ AI टूल। और ये आइडिया कहां से आया, यू नो कि इसने मेरे को ऑलरेडी आउटलाइन बना के रखा है। तो यहां पर जैसे इवोल्यूशन ऑफ AI कंटेंट राइटिंग टूल, इसके बाद में यहां पे नीड फॉर ह्यूमन कंटेंट राइटर, कोलैबोरेशन बिटवीन दीज एंड दैट। तो आइडियली मैंने क्या किया, यही सारे पॉइंटर्स को यूज करते हुए मेरे तरीके से मैंने कुछ टाइटल्स नए डिजाइन किए, जबकि कंटेंट वही है जिसको एज इट इज पेस्ट किया गया आफ्टर पैराफ्रेजिंग। तो आप देख पा रहे हैं, इसके बाद में व्हाई डू वी नीड स्टिल मैनुअल कंटेंट राइटर, अगर आप इसको जाकर के इस वाले में जाके चेक करेंगे व्हाई डू वी नीड मैनुअल राइटर, तो ये वाला वो पैराग्राफ है, राइट, कि हमें मैनुअल कंटेंट राइटर क्यों चाहिए। मैंने इसको क्या कर दिया, इसके हर एक पॉइंट को एक बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। एग्जांपल के लिए पहली बात ये कि हमें कल्चरल और इमोशन न्यूआंस होता है वो एक बॉट नहीं दे पाएगा। सिमिलरली आप यहां पे देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस का लैक होगा अगर AI कंटेंट टूल होगा। सिमिलरली जो ओपिनियन और जो भी स्टैट्स और फैक्ट्स मिसिंग होंगे अगर AI टूल होगा। मैंने क्या किया, यहीं पे जो पैराग्राफ्स थे इन्हीं पैराग्राफ्स में से कुछ टाइटल्स निकाल दिए। जैसे कि उसने मुझे लिख के दिया ये वाला सेक्शन, और यहां पे मुझे पता चला कि लेस ऑफ क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, तो मैंने यहां पे एक टाइटल बना दिया लेस ऑफ क्रिएटिविटी। सिमिलरली ह्यूमन टच मिसिंग था वो इस पैराग्राफ से मुझे समझ में आया, मैंने उसका टाइटल बन दिया। लाइकवाइज मैंने क्या किया, इसको बेटर ह्यूमन रीडिंग फॉर्मेट में क्रिएट किया। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। सिमिलरली एक सेक्शन नया आया न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ब्लॉगर्स, इसको भी मैंने इस पैराग्राफ को रीड करते हुए इसके टाइटल बना दिए। लाइकवाइज मैंने इसको यूज किया एंड एट द एंड जाकर के मेरे पास ये कंक्लूजन निकल के आया। ओके, वेल, इसी के साथ जैसा कि हम सब क्या करते हैं, एवरी टाइम वी विल क्रिएट FAQs। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ 3 से 4 जनरल क्वेश्चन चैट जीपीटी को ही पूछे कि भाई तू मुझे बता दे कि वो 3 क्वेश्चन लोग क्या पूछते हैं। इसने मुझे जो दिए वही क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने पेस्ट किए और उसके आंसर्स मैंने मेरे हिसाब से 2-2 लाइन लिख दी, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप AI टूल की हेल्प से भी 100% SEO कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। वेल, AI टूल का आपका सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन होगा कि वो आपके लिए पूरा रिसर्च का काम ईजी कर देगा। और लाइकवाइज जैसे इसने रिसर्च का काम ईजी किया, मेरा काम था उसको पैराफ्रेस करके उसका अलाइनमेंट चेंज करना, उसके लिटिल बिट टोन को चेंज करना, उसको डिफरेंट स्केलेटल में डालना, ताकि आप और हम जैसे ब्लॉगर्स इजीली इसको रीड कर सकें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल बैकलिंक को ऐड करना, ताकि कंटेंट आपका जेन्युइन और रिलायबल लगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से एक 100% SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट को क्रिएट किया, जो कि आपको इंडेक्स होता हुआ भी दिख रहा है। दैट मीन्स कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, और यही काम आप भी रिपीट कर सकते हैं। ऐसे ही चैट जीपीटी की हेल्प से आप कैसा पैसा बनाएं, किस तरीके से इसके हेल्प से आपकी कॉन्टेंट क्रिएशन की स्पीड को इंक्रीज करें, इन सब के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं, मेक श्योर आप पूरी की पूरी चैट जीपीटी की प्लेलिस्ट को गो थ्रू कीजिएगा, यू विल गेट अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।